Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Sidhu bhai kahan hai? Mr. Sherry? Hello. Haan bhai. Are! बैठ गई आपके सोफे पे आज रुको रुको आज कोई ना इनको रोको मैं तो कहती हूँ ठोको सर हाउ गुड टू सी यू देखो जी मेरी कुर्सी की शोभा बढ़ गई बढ़िया क्या नहीं बढ़ गई सर कभी तो ये कुर्सी खाली होगी कभी तो खाली होगी एक ही शो बचा है मेरा करने के लिए यहाँ पर आके बैठता है मुझे जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी एक ही उसकी सवाली होगी अनुज आए कुछ जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी एक ही सवाली होगी आगे कुछ आए इसके मुंह पे 15-16 गाली होगी और गरम चाय की प्याली होगी और वो अगर गोरी होगी तो क्या होगा गोरी होगी या काली होगी और कटोरी होगी और थाली होगी कटोरी होगी थाली होगी लड़की जो परोसने वाली खूबसूरत होगी उसी कानों में बाली होगी वाह 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 और तो और लगता है मुझे यहाँ पे शिरीष की घरवाली होगी और वो शिरीष की घरवाली किसी का जीजा और किसी की साली होगी मुशायरा तो शुरू हो गया साली होगी तो बहुत मजा आएगा आधी घरवाली होगी और ये कपिल शर्मा का शो है दुख नहीं देने वाला बस हंसाने वाली होगी और इसी बात पे ताली होगी पर ये ना सोचना कि वो बड़ी भोली भाली होगी ये भी पॉसिबल है दिखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से मवाली होगी कल किसने बजाई शायद बाहर काम वाली होगी बड़ा मजा आएगा पाजी तीनों केमिस्ट्री देखने वाला अब आप थे नहीं अभी आपके आने से पहले काफी हंगामा हो चुका है यहाँ पे अच्छा आपका कुछ शेर आने वाला मुझे लगा निकलने वाला जब कहेगा तब निकाल देता हूँ खा करके सर संगीत सम्राट है अनु और सोनू की जादुई आवाज पहले ही वाह दुक्का मारो छिक्का मारे जाओ संगीत सम्राट है अनु सोनू की जादुई आवाज है फरा के इशारों पर नाचता है बॉलीवुड उसका मस्त अंदाज है अब आ रहे हैं आप पे इंडियन आइडल एक इकलौता शो है यारो जिस पे नाज है देश को और सालों से सुरों का सरताज मगर अनु जी पे कुछ नहीं बोला ना आपने बोला ना संगीत सम्राट एक लाइन बोल दिया अरे संगीत सम्राट आप पे था हाँ मगर मैं बताना चाहता हूँ मगर मैं बताता हूँ संगीत सम्राट बोला ना बाजी आपने मेरा दिल खुश कर लिया आपने दिल से बोला है मेरे लिए बिल्कुल तो आपके लिए वो गाना नहीं गाएंगे नहीं मगर मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ दिल से ये दिल से मुझे पता नहीं था ठीक है सर इस शो पे सब है लाजवाब सिद्धू पाजी आपका नहीं है जवाब सिद्धू पाजी आप में है बड़ा दम आप खाओ कबाब एक मिनट ये तो इनकी शायरी है अनु मलिक स्पेशल थोड़ी इसलिए अनु मलिक था है और रहेगा इस शो पे सब है लाजवाब लेकिन सिद्धू पाजी में है बड़ा दम हंसते हैं हंसाते हैं शायरी मार के सबकी बैंड बजाते हैं इसलिए मैं कहता हूँ सिंग इज किंग सिद्धू पाजी यू आर अव्वल नंबर वन नहीं सर जो पहले थी राइमिंग राइमिंग शुरू हुई थी लाजवाब लाजवाब बाद में नंबर वन तो राइमिंग कहाँ आ गया ना सिद्धू पाजी शो में नहीं नहीं यू आर अव्वल अव्वल नंबर वन नंबर वन मैं कह रहा हूँ टना टन हैविंग फन सिद्धू पाजी टना टन हैविंग फन एंड कमाल की बात है आप दूध पीते हो यू नेवर पी रम पी रम You don't drink rum. You don't drink rum. That's why I'm son of a gun. He don't drink rum. आप बोलते रहे चले जाएं हम. अच्छा देख लो पाजी
फरा मैम कभी कुकिंग शो जज कर रही हैं, कभी डांसिंग शो जज कर रही हैं, कभी इंडियन आइडल जज कर रही हैं। ओए, तीन बच्चे हैं मेरे, स्कूल की फीस मालूम है कितनी होती है। तो आपको घूम फिर के जज ही बनना था तो वकालत क्यों नहीं की फिर आपने? पाजी, पाजी, फरा मैम ने पूरी इंडस्ट्री को नचाया है। बिल्कुल। अनु सर ने पूरी इंडस्ट्री को गवाया है और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के लिए गाया है। फरा मैम, yes, आपके इतने पुराने दोस्त हैं अनु सर, हाँ जी, इनको कुछ डांस मूव्स तो कराए, रोमांटिक डांस। सर, ये हम सबको डांस मूव करा सकते हैं। आपने उनका वो वाला डांस नहीं देखा है? वो वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला। जोरदार तालियां फरा मैम के लिए। अच्छा अनु सर, ये पकड़िए, मैं कुछ सवाल करूंगा, जो आपको लगे कि ये उंगली इनकी तरफ जानी चाहिए वो आप कर सकते हैं। Okay. अगर आपको लगे कि अपने ऊपर है तो अपने ऊपर भी कर सकते हैं। आप ऑडिशंस के सिलसिले में पूरे देश में घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, होटल के बारे में हमेशा कंप्लेंट कौन करता है? Like, किस तरीके की कंप्लेंट? सोनू सर, सोनू अब मेरी इमिटेशन करके आपको बताएगा। हाँ, जी सोनू, सोनू सोनू डज माय माइंड ब्लोइंग इमिटेशन। अच्छा, ए सोनू, ये अनु जी को बोल दे रहा, अनु जी पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल, तो ये जो बोलती है इसका एक टक 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 ऐसा आता है, एक ही बीट पे आता है इसके, उसमें इसको बोलो अगर सैड सॉन्ग कोई सैड डायलॉग बोलना है तो ए मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ, अरे तू बहुत अच्छा है, तू बहुत, तू इतना फनी भी है क्या, तू इतना अच्छा भी है, मैं आपके देश को बहुत प्यार करती हूँ। देखिए, पहले आपने, पहले सोनू पाजी ने और अनु सर ने फरा मैम की तरफ उंगली, नहीं नहीं वो कंप्लेंट, बहुमत में आप दोनों जीत गए और उनका पॉइंट। बस क्या कपिल, दोनों की तरफ से इतनी मैंने तेरी तारीफ की, आज तूने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं। पैकअप के बाद होटल भागने की जल्दी किसको रहती है ज्यादा? वेरी ऑनेस्ट आंसर। आओ सर। क्यों ना हम तुम, तेरा सही नहीं बज रहा है, किधर से उठा के आ गया? क्यों ना हम तुम, गिटार सही नहीं बज रहा है, क्यों ना हम तुम, चले तेरे मेरे से रस, ढोलकी ठीक नहीं बजा रहा है, नंगे पाँव रे, बी केयरफुल ना हम तुम, स्टेप है, चले तेरे मेरे रास्ते पे नंगे पाँव रे, भटक जाना गाँव रे, भटक लेना गाँव रे। तुमने कभी ध्यान से आईने में देखना, तबले की जोड़ी थी ना छोटा वाला तबला, उसके तुम्हारे फीचर बड़े मिलते हैं। अपना काम किया करो, तबला और मेरा क्यों फीचर मिला रहे हो यहाँ बैठ के, इंटरव्यू ले रहे हो, लो ना अच्छे से ढंग से। हाँ जी, क्या कह रहे थे अनु जी आप? हमको तो इंडियन आइडल में ले लीजिए, बस हो जाएगा काम। ये क्या कर रहे हैं तुम सब लोग? वही 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 जो पूरी इंडिया कर रहे हैं, इंडियन आइडल की तैयारी। कोई जरूरत नहीं है, ताली बजाओ रे इंडियन आइडल पर। मैं अपना एक गीत पेश करती हूँ, ये अपना T3 देना, कल वहां से मेरी फ्लाइट है। एक बात मुझे बोलिए, रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार। और एक बार ये भी बोलना पड़ेगा कि पहली बार हमने देखा है कि आवाज से ज्यादा सुर को नशा चढ़ा हुआ है। पहली बार मैं देख रही हूँ सिंगर मुंह से नहीं गा रहा है। और अच्छी बात है, तू कोई अच्छा सा ट्रक देख के नीचे आ जा। सोनू जी सुनिए, अनु जी, फरा जी, आप इंडियन आइडल का जज हैं, हमको ले लीजिए। रुको रुको, मैं आपके लिए चाय बना कर रहता हूँ, तब तक आप ऑडिशन दो, कोई बात नहीं, हम स्टेज फाड़ देंगे, सच कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कपिल, ये तीनों जो हैं आपके शो के कलाकार जी, मतलब इतने
मंजे में सरस्वती बैठी है इनके गले में. मैं चाहती हूँ कि आप सीधा डायरेक्टली फिनाले में आओ इंडियन आइडल के. आपको कोई पहले तो मैं कहता हूँ फिनाल के गरारे कर लो. क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ फरा के फनकार. अच्छा जी. ऐसे सिंगर जो गला फाड़ दे, कपड़े फट जाए, स्टेज फट जाए. तो आप फरा के फनकार में डायरेक्टली फिनाले पे आएंगे. अच्छा ठीक है. डायरेक्टली ये ऐसे नहीं भागेंगे. हाँ. इनको आपको शेर सुनाओ. एक ही आता है अचानक जो आता है. हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमारे सुर ना तोड़ो, रहम करो, जाओ जाओ हमें छोड़ो. और एक काम करो, किसी और से नहीं, एटलीस्ट संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो. इनको माफ करो, इनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कपड़ा लो और साफ करो. चलो फटाफट ले लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए. थैंक यू, बहुत काम में आएगा. हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया. क्यों क्यों क्या हो गया? अभी हो गया. हमारे हस्बैंड भी हमसे प्यार नहीं करते हैं. तो क्या हुआ? तो हमने सोचा कि इधर ही सिलेक्शन हो जाए, जिंदगी बन जाए, सिंगर बन जाए. अनु जी ने कह दिया माफ कर. नहीं, मैं कहती हूँ सोनू जी आपसे प्यार करते हैं. सोनू जी अभी आपके लिए एक प्यार भरा गाना गाएंगे. गाना सुना दे. सुनो प्यार भरा गाना. आइए डुएट गाते, कोई रोमांटिक गाना गाते दोनों मिलके. कुछ भी कहिए, हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते ना हमें. मसाज कर देते. मसाज नहीं, अनुज के होते हुए कोई मसाज और कर सकता है क्या? तो मैं ऐसा करता हूँ, आपकी भी आवाज में गाता हूँ. गा दीजिएगा. इनको कच्चा तो ले लें, इसे किया. बैठो मैम आप प्लीज. आदमी कपड़ा भी नहीं सुखा सकता है. गरम चाय की प्याली हो, तेरे मुंह पे गिराने वाली हो. तू फिर आ गया. कपिल शर्मा क्यों तंग करते हो यार, मेरे को मत डिस्टर्ब किया करो. मैं इंडियन आइडल की तैयारी कर रहा हूँ. तेरी इस महीने की गैस की सब्सिडी नहीं आई, तो उसकी टेंशन ले. गैस की कोई टेंशन नहीं, वो मैथ से मेरे को बड़ी हो ही देती है. और तू इंडियन आइडल नहीं, इंडियन इडियट्स में जा, फर्स्ट आएगा तू देखना. मैंने गाना थोड़ी गाना है. हाँ. मैं तो जज बनने की तैयारी कर रहा हूँ. इधर आ. तू क्या बोल रहा है, क्या करेगा उधर? जज बन के कैसे बनेगा उधर? तीन कुर्सियां बस, और कोई कुर्सी नहीं है. मैंने अब तो कुछ हो ही नहीं ना सकता. मैंने तो ड्रेस भी सिलवा ली है. दिखा ड्रेस पहन के आएगा. ये देखो फरमा मैम, आप ही बताओ. ये देखो आप चेक करो, ड्रेस सिलवा ली मैंने प्रॉपर जज का. हाँ जी, जज के कपड़े हैं बिल्कुल. मैंने जो पहने हैं ये तो लेडीज सूट है. बड़ा तेरी जगह जा रही है. पर ये तू लेडीज सूट क्यों लेके आया? तो जज के पैनल में कोई तो लेडी होनी चाहिए ना. नहीं नहीं मैम, मैं नकली लेडी की बात कर रहा हूँ. इधर आ, तेरा साल का 300 रुपए का टर्नओवर. आपको लगता है कि आप अनु जी की जगह ले सकते हैं? नहीं जगह नहीं लेनी मैम, मैंने चरणों में बैठना है बस. चरणों में बैठेगा, टेबल से नीचे दिखेगा कैसे तू? तो दिखना थोड़ी, जजमेंट देनी वहाँ पे. नीचे से जजमेंट देगा? हाँ, अनु जी के नीचे से एक आवाज आएगी. ये देखो जैसे आप लोग ऐसे बैठे हो ना, तो मैंने ऐसे करके बैठ जाना है. चलो दो जजमेंट. चलो कुछ भी बोलिए आप. हाँ तो कैसा लगा आपको, मैं होस्ट हूँ, कैसा लगा आपको इनका गाना? मैं सर बाद में पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि ये बंदा मेरे को बोलने नहीं देगा, ये मेरी तरक्की से चलता है. बहुत अच्छा किया तुमने. थैंक यू. अब भाग के सबके लिए चाय लेके आ जा. अच्छा सर, मैं बींग ए इंडियन आइडल्स फैन, इस बार आपको अच्छा टैलेंट मिला इंडियन आइडल के लिए? अरे मैं बोल रही हूँ, इतने सारे शोज हमने जज किए हैं, लेकिन इस टाइम का जो टैलेंट है ना, इट इज बियॉन्ड एनीबडीज एक्सपेक्टेशन. हम किसी और शो के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं किसी सिंगर को. क्या बात है, सारे अच्छे अच्छे ले रहे हैं अंदर. नहीं और इसमें और अच्छी बात यह है कि जितने भी सिंगर्स जा रहे हैं वो हमें यही कह रहे हैं बार बार कि हम इतने साल से ये वेट कर रहे थे कि ये तीन एक साथ इकट्ठे कब होंगे इंडियन आइडल में. सो और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो बाहर लाइन में खड़े होते हैं और जो बाद में अंदर आते हैं देख देख के बड़े खुश होते हैं. सो इस हिसाब से हम लकी रहे हैं कि लोग हमें इतना पसंद करते हैं और इस सीजन में दे सेव देमसेल्व्स फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन. क्या बात है सर, इंतज़ार है हमें इंडियन आइडल का. हमारे कोई ऑडियंस में दोस्त हैं हमारे, यहाँ पे कोई दर्शक है जिन पर मैं मैंने सीटी केबल के लिए एक छोटा सा मुशायरा रिकॉर्ड करना है. क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, फटाफट सेटअप लगाइए. सीटी केबल में आप सबके इस्ते का, आपके हिस्से का बाल है, इस्ते का बाल है सिटी केबल में. आप जो है वो है, मतलब जो भी बोलते हैं वो है.
इस्तकबाल 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 हाँ इस्तकबाल है जो भी होता है वो है मतलब आप समझ जाएं तो वेलकम इंग्लिश से बात में वजन आता है सो आई वाज टेलिंग कि आज मुशायरा ए मुकाबला होने जा रहा है हमारे जिन दर्शकों के पास टीवी नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि आज के इस प्रोग्राम की डीवीडी आएगी सिर्फ 5 रुपए में लेकिन कंडीशन अप्लाई वो डीवीडी सिर्फ हमारे डीवीडी प्लेयर में ही चलेगी और वो डीवीडी प्लेयर जो है वो सिर्फ हमारे टीवी पे ही चलेगा घूम फिर के वही आ गए आज मुकाबला है शारी जिसमें एक तरफ असली हैं और दूसरी तरफ डुप्लीकेट वो भी थर्ड स्टैंडर्ड के डुप्लीकेट आएंगे पहले मुशायरे की शान घटाने के लिए सबसे पहले इन्वाइट करूंगा जानू मलिक जी देखो भाई देखो देखो बात सुनो मेरी बात सुनो मैं जानू मलिक आग लगा दूंगा आग भाग लीजिए बॉस भाग आग लगा दूंगा आग बहुत अच्छा आपने बोला है बहुत अच्छा भी लगा है आपकी आंख में कुछ लगा है आपने किया दगा है आपके यहाँ मुशायरे का होस्ट बनने की यही सजा है आपके यहाँ दो और लोग की जगह है खाली जगह में बड़ा मजा है अब दूसरी डुप्लीकेट जो है उनके लिए जोरदार तालियां मत बजाना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्लीज वेलकम सुनो निगम वाह 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 मैं जरूर करता अगर असली सामने ना होते बैठिए देखिए बाबा मत कीजिए बच्चे से एंकरिंग कर लीजिए वही बात है जी और आप ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे कहीं देखा है जी कैसी है आप मैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सॉरी डुप्लीकेट शायरा या डुप्लीकेट शायरा तारा खान चाल देखो जी मैं तुम्हें बताऊं ये तारा खान कब लग रही है सरोज खान मैंने भी यही बोला मैंने भी यही कहा अरे तुम दोनों पागल हो क्या ऑटो में ऐसे ऑटो से उतर के कोई भागता है क्या 250 रुपए का किराया देना था मुझे पकड़ लिया 250 रुपए की मार मुझे अकेले को खानी पड़ी अब मैं इधर आ गई हूँ मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगी पहले ये स्कूल में घंटी बजा के छुट्टी करती थी इनकी आदत नहीं गई तो आप अपने हिसाब से जगह देख के बैठ जाइए ऑलरेडी बैठ चुकी है हर बार शेयर नहीं होती है जो वेट कर रहे हैं यार आई एम द रियल वन ये कोरियोग्राफी इनको नहीं आती है मुझे आती है मैं करती हूँ कोरियोग्राफी आपका इनको वाकई नहीं आती कोरियोग्राफी अभी कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है कि मतलब कोरियोग्राफी ऐसे गाना मुश्किल नहीं मुश्किल गाना इजी है ये कहना चाह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं आपने क्यों ठीक से मैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह देखिए गाने के ऊपर कोरियोग्राफी सब लोग कर लेते हैं मैं शायरी के ऊपर कोरियोग्राफी करती हूँ देखिए मैं इस बात से समझती हूँ देखिए मैं ये कह रहा शायरों की गाना देखिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँ तो गाना बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी मुझ में कही थोड़ी सी पेमेंट कही तो मेरे साथ गाना बहुत मुश्किल है गाना बहुत मुश्किल है पैसे नहीं कर सकते ये तो कुछ नहीं है जब दो लोग शायरी कर रहे हो तो बीच में इस तरह गाना नहीं गाते दो लोग कौन अनु और मालिक और मैं पहले भी कह चुकी हूँ मैं ये सब गाने पे कोरियोग्राफी पुरानी हो गई मैं शायरी पे आजकल कोरियोग्राफी करती हूँ ये नया स्टाइल है चलिए मैं एक शेर कहूंगा आपको उसके ऊपर स्टेप्स करने हैं नफरत की राह में फूल खिला देंगे आग लगा देंगे आग लगा देंगे आग लगा आग बाद में लगाइएगा आग बाद में लगाइएगा पहले पूरा शेर सुनिए सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं बड़े प्यार से समेटा किसी ने वाह सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं बड़े प्यार से समेटा किसी ने बाद में आग लगा दी एक बात
आग लगाने की बात की है, आग लगाने किसने शुरू किया था? आग लगा दे हमने, ताली हमारे लिए बजाओ। और एक बात है, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा आग लगा दूंगा। अगर मेरे पास माचिस हो तो तेरी शायरी को आग लगा दूंगा। आग बुझा देता हूँ थोड़ी सी, ठंडा रहे आप। देखो आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी। तेरी आग की झाग, चल भाग, चल भाग, चल भाग। ये तराजी आप मेरे शेर पे स्टेप करके दिखाइए। हाँ बताइए। तो रुकिए तो सही आप। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। पता नहीं चल रहा रजाई में हवा किधर से आ रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।